नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है पैन कनेक्टर। ये पैन कनेक्टर हम प्लम्बरों के लिए क्यों ज़रूरी है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। दोस्तों, ये पैन कनेक्टर 4 इंच का है और ये नीचे से 4 इंच का है और ऊपर से इसका साइज़ जो है 5 इंच का है। दोस्तों, ये जो सीट का पॉइंट है, वन पीस सीट जब हम लगाते हैं तो पीछे से जो दीवार का बीच में जो जगह छोड़ते हैं वो 9 इंच होनी चाहिए, लेकिन कमोड सीट तो 6 इंच पर भी लग जाती है। तो यहाँ पर कमोड सीट लगी हुई थी, अब हमें वन पीस सीट लगाना है। तो उसके लिए हमें या तो फर्श तोड़ के पॉइंट अलग से बनाना पड़ेगा या फिर हमें ये पैन कनेक्टर लगा करके इस पॉइंट को दूर करना पड़ेगा। दोस्तों, 9 इंच पे, 8.5 या 9 इंच पे आएगा तभी ये वन पीस शीट इस पे पॉइंट पे लग पाएगा। तो ये पैन कनेक्टर कैसे यूज़ करना है इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो 4 इंच का पीछे दीवार से इंची टेप से आपको नाप के दिखाता हूँ, पीछे का जो गैप है ये 6 इंच है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो 6 इंच ही है, यहाँ पे कमोड शीट लगा हुआ था हमने हटा दिया है, लेकिन ये पैन कनेक्टर लगने के बाद ये कम से कम 8.5 इंच हो जाएगा, जिससे कि वन पीस सीट आसानी से लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर का जो है 5 इंच का इसका साइज है और ये 4 इंच पाइप में पूरा फिक्स आ जाता है, लीकेज की भी कोई समस्या नहीं रहती है। तो अभी मैं इंची टेप से आपको नाप करके इसको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंची टेप से अब हम इसको लगाने के बाद पैन कनेक्टर को देखते हैं कि ये कितना हो गया है। ये देखो, आप पीछे टच मार के अब हम देखते हैं तो इसका जो सेंटर है वो 10 इंच पे आ गया है दोस्तों, और ये 8.5 इंच इसका पीछे का हो गया है। तो अभी आसानी से इस पे वन पीस शीट लग जाएगा दोस्तों। तो हमने ये उखाड़ा है, ये सीट आपको बाहर दिख रहा है, ये टेम्परेरी हमने इसका फलस टैंक और ये कमोड रखा हुआ है, ये अभी लगा हुआ था, हमने इसको हटा करके हम वन पीस सीट यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये आसानी से अभी वन पीस सीट लग जाएगी और ये 4 इंच पाइप जो है इसमें पूरा फिक्स आता है, लेकिन थोड़ा सा हमें आगे से तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पैन कनेक्टर को थोड़ा सा नीचे जगह चाहिए जिससे कि ये आसानी से लग जाएगी इसके ऊपर सीट। तो कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं प्लम्बिंग से जुड़ी हुई